Subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात की रण में एक बार फिर मोदी शाह की जोड़ी के आगे कैप्टन राहुल परास्त हो गए। दो दशक से ज्यादा लगातार सत्ता पर काबिज बीजेपी की विजय रथ 5 साल के लिए फिर निकल पड़ा। सीटों में गिरावट। बीजेपी ने गुजरात में 2012 का विधानसभा चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा था। पार्टी को कुल 115 सीटें मिली थी। इस बार नरेंद्र मोदी पीएम है, जिसके चलते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी समेत पूरी भगवा ब्रिगेड 150 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे कर रही थी, लेकिन सोमवार को आए नतीजे झटका साबित हुए। पहली बार शतक से चूकी बीजेपी। बीजेपी का विरल विजय ये प्रवाह 1995 के विधानसभा चुनाव से आरंभ हुआ और बीजेपी को 121 सीटें मिली। इसके बाद 1998 के चुनाव में पार्टी ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखा और इस बार 117 सीटों पर जीत दर्ज की। वोट प्रतिशत में गिरावट। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 2014 में आम चुनाव गुजरात की जनता से 32% वोट हासिल हुए थे, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में उसे 41% मत मिले हैं, यानी कांग्रेस को करीब 10% का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ 2012 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो कांग्रेस को इसमें भी बीजेपी से ज़्यादा फायदा हुआ है। मंत्रियों को मिली हार इस चुनाव में। गुजरात सरकार के कई मंत्री भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में नुकसान। सौराष्ट्र पाटीदार बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कांग्रेस को फायदा मिला है। कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।